साथियों, मैं आपको आज जो दिखाने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि CAA को लेकर किस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब उसका विरोध किस प्रकार से हो रहा है। तो एक नंबर है जो भाजपा का है, पता नहीं सरकार और भाजपा तो एक ही है, तो भाजपा जो कर रही है वो लोगों को समझाने की कोशिश करने के बजाय क्या कर रही है, एक नंबर दे रही है और उसे प्रमोट कर रही है कि आप उस नंबर पर एक मिस्ड कॉल दीजिए ताकि आप उस नंबर को अपना समर्थन दे सके। मतलब आप CA को समर्थन देने के लिए इस नंबर को आपको डायल करना, मिस्ड कॉल देना है। और जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ कि ये नंबर कौन से हैं जो वो दिखा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और इनकी बातों में मत आ जाइएगा इस नंबर पर बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लड़कियों का सहारा लिया है उसमें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि किस तरह के नंबर के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, कि आप ऐसे नंबर पे फ़ोन करिए तो आपको ऐसी वाली लड़की से बात करने को मिलेगा। ये ऐसे वाले नंबर का एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से कर रहे हैं। ये नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ, गलती से भी ये नंबर को डायल मत करिएगा, इसमें आपसे कोई लड़की बात नहीं करेगी। इसमें यदि आपने ऐसा किया तो आपका वोट इनके फेवर में रजिस्टर होगा, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि जितने भी पोल्स हैं उन सब में CA के विरोध में जो प्रतिशत है उसका कंपैरिजन ही नहीं है। अब तो सवाल उठ गया है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के सरकार में भेजा था वो प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि वो प्रतिनिधि जो कर रहे हैं देश उनके साथ नहीं है। देश की अधिकांश जनता यदि आपके साथ नहीं है प्रधानमंत्री जी, तो गृह मंत्री जी की ये ज़िद्दीपना, ये बचपने वाली बातों को अब दरकिनार करके इस लॉ को रिपील करिए। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम इसे रिपील नहीं करेंगे, क्यों भाई, ये देश डेमोक्रेसी नहीं है क्या? ये देश डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है, इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से होती है एक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में आपको चुना गया है और अगर आपकी किसी बात से देश की अधिकांश जनता इत्तेफाक नहीं रखती तो उस चीज़ को करना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। आप तो 50 साल राज करना चाहते थे, आपके बाद अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं शायद, लेकिन ये सपना आपका पूरा कैसे हो जाएगा? ये सपना तो वैसे भी पूरा नहीं होगा, परंतु कम से कम मान सम्मान के साथ अगर सत्ता में रहा जाए तो बेहतर है। और अगर देश की जनता कोई चीज़ नहीं चाहती तो बजाय इसके कि आप उसे थोपने की कोशिश करें पीछे हट जाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ साथियों, मेरे प्यारे भाइयों साथियों, इस नंबर को गलती से भी डायल मत करिएगा। और मेरी प्यारी बहनों, गलती से चेक करने के लिए इस नंबर को मत डायल कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये नंबर जो एडवर्टाइज हो रहे हैं ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करके CA के पक्ष में वोट डालने के लिए करे जा रहे हैं। हाँ, बहुत ठंड है देहरादून में, मसूरी में बर्फ गिर गई है, इसीलिए टोपी और गर्म कपड़े पहनकर हम घूम रहे हैं, मगर इस ठंडक में भी हिंदुस्तानी होने की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो हम सब को ऊर्जावान करती है और हम सबको साथ में जोड़ कर रखती है। तो साथियों, देखते हैं ये वाले नंबर, इस पर डायल बिल्कुल ना कर दीजिएगा, ये भाजपा की एक चाल है केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए।